वस्त्र की मूल इकाई होती है, कि जो हमारा वस्त्र होता है वह अनेक रेशों से मिलके बना होता है, यानी कि जो हमारा वस्त्र वस्त्र की मूल इकाई रेशा होती है। इकाई हो गया हमारा रेशा, यानी कि रेशा हमारा कई, जो हमारा वस्त्र हम पहनते हैं वह कई रेशों से मिलके बना होता है। कभी 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 भी आप लोग कपड़े में से धागा निकालने की कोशिश करिएगा, जब धागा आप निकालते हैं तो जब उसको खोलने का प्रयास करेंगे, जैसे आप घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि अनेक छोटी छोटी रेशे उसमें दिखाई देते हैं, तो पता चलता है कि जो हमारा धागा होता है वह अनेक रेशों को मिलके बना होता है, और फिर उन धागों से बुनाई किया जाता है जिससे हमारा वस्त्र का निर्माण होता है। तो अब इतना है कि रेशा हमारे वस्त्र की मूल इकाई है और अनेक रेशों के मिश्रण के द्वारा ही हमारा वस्त्र बनता है। आगे हम बात करेंगे रेशों के प्रकार के बारे में। रेशों के प्रकार, जो रेशों के प्रकार होते हैं प्रमुख रूप से ये दो ही प्रकार के होते हैं। अगर इनका पूरा देखा जाए तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा प्राकृतिक रेशा, और दूसरा होता है हमारा कृत्रिम रेशा। पहला हमारा जो प्राकृतिक रेशा होता है, प्राकृतिक रेशा का मतलब होता है कि वह रेशा जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, प्रकृति जैसे कि पौधे, पशु पक्षी, खनिज पदार्थ, इससे जो रेशे प्राप्त होते हैं वह प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। पहले जो आदिमानव लोग होते थे वह अपने शरीर को ढकने के लिए या मौसम से सुरक्षा करने के लिए, जानवरों से सुरक्षा करने के लिए अपने शरीर को वो लोग जानवरों की खाल होता था या पौधे की पेड़ पत्ते पे, जो पौधे होते थे उनके पत्तों को वो पहनते थे, या पौधे की जो छाल होते थे उनको वो लोग पहन के अपना शरीर ढकते थे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मानव ने विकास, जैसे जैसे विकास होता गया, मानव ने उन रेशों को खोज निकाला जिसके द्वारा वस्त्र का निर्माण होता था। तो यानी कि जो हमारा पहला रेशा होता है वह प्राकृतिक रेशा होता है। सबसे पहले प्राकृतिक रेशों की खोज की गई थी। तो जो हमारा प्राकृतिक रेशा यानी कि जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो रहा है, तो प्राकृतिक रेशों को भी कई भागों में बांटा गया। जैसे प्रकृति अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो प्रकृति को पुनः तीन भागों में बांटा गया है। इसमें पहला आता है वानस्पतिक रेशा, वानस्पतिक रेशा यानी कि वह रेशा जो हमें वनस्पतियों से प्राप्त होता है, जैसे कि जो हमें पौधे के तने से प्राप्त हो रहा है, उनके पत्ते से प्राप्त हो रहा है, या पौधे के बीज से प्राप्त हो रहा है, वह रेशा वानस्पतिक रेशों के अंतर्गत आता है। और वानस्पतिक रेशों को सेल्युलोज रेशा भी कहा जाता है। यहाँ पे हम आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दे रहे हैं, वानस्पतिक रेशा वानस्पतिक रेशा को सेल्यूलोज रेशा भी कहा जाता है। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा आप लोग, एग्जाम में अक्सर पूछता है कि सेल्यूलोज रेशा किसे कहते हैं, प्रोटीन रेशा किसे कहते हैं। तो जो हमारे वानस्पतिक रेशे होते हैं उन्हें सेल्यूलोज रेशा कहा जाता है, क्योंकि वह अनेक सेल्यूलोज के द्वारा ही बने होते हैं, इसलिए इन्हें सेल्यूलोज रेशा कहा जाता है। तो जो हमारे वानस्पतिक रेशे होते हैं वह वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं, और वानस्पतिक रेशे को सेल्यूलोज रेशा भी कहा जाता है। अब हम ये देख लेंगे कि वानस्पतिक जो रेशे होते हैं इनको भी कई भागों में बांट गया है। तो पहला हमारा होता है बीज से प्राप्त रेशे,
बीज से प्राप्त रेशे, अर्थात वह रेशे जो हमें पौधे के बीज से प्राप्त होता है उसे बीज वाले रेशे कहा जाता है। जो बीज वाले रेशे होते हैं वो क्या होता है कि प्रकृति ने बीजों की सुरक्षा के लिए यह रेशे प्रदान किए हैं। बीच में बीज होता है, उसके चारों तरफ जो होते हैं रेशे वो लिपटे हुए होते हैं। तो जो बीज वाले हमारे रेशे होते हैं वो प्रमुख रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा कपास और दूसरा होता है हमारा कापोक। ठीक है, प्रमुख रूप से दो ही होते बीज वाले रेशे, एक हमारा कपास हो गया और दूसरा हमारा हो गया कापोक। तो जो कपास का रेशा होता है उसके बारे में सब लोग जानते होंगे, जो हम लोग सूती कपड़ा पहनते हैं ना, कॉटन का कपड़ा, वो कपास के रेशों के द्वारा ही बना होता है। कपास का रेशा एक विश्वव्यापी रेशा है, यानी कि कपास के रेशे का प्रयोग विश्व में हर जगह किया जाता है। कॉटन का कपड़ा बहुत आरामदायक होता है, आप लोग देखते होंगे गर्मी के दिनों में हम कॉटन का कपड़ा पहन लेते हैं तो बहुत आरामदायक होता है, हमारा शरीर पूरा शीतल रहता है, वो हमारे पसीनों को सोख लेता है और शरीर को पूरा ठंडक प्रदान करता है। इसलिए कपास का रेशा, कपास से जो बना सूती वस्त्र होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। जो कपास का रेशा होता है वो कपास नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। कपास का पौधा बहुत लोगों ने देखा भी होगा, रुई का जो पेड़ होता है ना, बीच में ब्लैक कलर का उसका बीज होता है और चारों तरफ व्हाइट व्हाइट से रुई लगे होते हैं। रुई निकालने के लिए हम उसे क्या करते हैं, बीज को निकाल के फेंक देते हैं और उसकी रुई को हम लोग यूज करते हैं। तो वही हमारा कपास का रेशा होता है। कपास का रेशा जो होता है वह हमारे सभी प्राकृतिक रेशों में, इसमें कपास के बारे में हम लोग पूरा डिटेल पढ़ेंगे, कपास का रेशा जो होता है वह सभी प्राकृतिक रेशों में क्या होता है, सबसे छोटा होता है। कपास का रेशा सभी प्राकृतिक रेशों में सबसे छोटा होता है। इसकी लंबाई जो होती है आधा इंच से एक इंच, डेढ़ इंच, दो इंच, इतनी ही होती है इसकी लंबाई, यानी कि ये बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता, छोटा ही होता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी गुण होती है रेशों में आपस में चिपकने की क्षमता, या रेशे आपस में चिपक जाते हैं, इसे कहा लंबे से रेशे, लंबे से धागे हमें प्राप्त होते। जैसे कि मान लीजिए एक रेशा है कपास का रेशा, उसकी लंबाई इतनी है आधा इंच, लेकिन उसके नीचे हम आधा इंच और लगा देते हैं, आधा इंच और लगा देते हैं और लगा देते हैं, तो ये क्या होगा, हमको अविरल लंबाई के रेशे हमें प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए कपास के रेशे छोटे तो होते हैं लेकिन इससे लंबाई के हम धागे अगर हमें प्राप्त करने होते हैं वो हमें मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग देखते होंगे कि जो कॉटन का कपड़ा हम लोग पहनते हैं, कुछ समय बाद पहनते हैं, अगर हमको ब्रश से या ऐसे धो लेते हैं तो उसमें से रोए निकलने लगते हैं। तो आप लोग सोचते होंगे ना क्यों रोए निकलते हैं, तो रोए जैसे कि ये रेशे जब एक दूसरे से मिलते हैं तो यहाँ पे अगर ये मिल रहे हैं तो इनको अगर हम ब्रश से रगड़ेंगे तो वहीं से वो रेशे निकलना शुरू हो जाते हैं, तो कपड़े में से रेशे निकल जाते हैं। जो हमारा कॉटन का कपड़ा होता है उसके अनेक अवगुण भी होते हैं, लेकिन कोई नहीं, लेकिन उसके अलावा भी इसके इतने गुण हैं कि इनको सभी के द्वारा, सभी उम्र के लोगों के द्वारा और सभी जगह पर इसका प्रयोग किया जाता है। जो हमारा कपास का रेशा होता है उसे बीज के बाल, कपास के रेशे को बीज के बाल भी कहा जाता है। बीज के बाल क्यों कहते हैं, क्योंकि जो कपास का रेशा होता है बीज के चारों तरफ चिपका हुआ होता है, इसलिए इसे बीज के बाल कहते हैं। इसे एक विश्वव्यापी रेशा भी कहा जाता है। कपास का जो रेशा होता है वह ग्रीष्म ऋतु में, कपास का जो पौधा होता है उसे ग्रीष्म ऋतु में लगाया जाता है और इसके द्वारा हम रेशे प्राप्त करते हैं। कपास की खेती के लिए हमें काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। काली मिट्टी की क्यों होती है, क्योंकि जो हमारा काली मिट्टी होता है उसमें जल अवशोषक जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, वो पानी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर सोख लेता है, इसलिए काली मिट्टी इसके लिए बहुत जो होता है अच्छा माना जाता है। कपास के उत्पादन में अमेरिका का प्रथम स्थान है।
कपास के उत्पादन में अमेरिका का प्रथम स्थान है। और भारत का दूसरा स्थान है कपास के उत्पादन में। ये बिल्कुल आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही सब ज़्यादा कुछ पूछता है कि कपास के उत्पादन में किसका पहला स्थान है, किसका दूसरा स्थान है। तो पहला स्थान हमारा अमेरिका को जाता है और दूसरा स्थान भारत को जाता है। तो कपास के बारे में ये सारी चीज़ें हो गई। कपास एक बहुत अच्छा रेशा और मजबूत रेशा होता है। नमी अवशोषक क्षमता भी ज़्यादा होती है। इनकी देखभाल सुरक्षा भी आसानी होता है। बस यही होता है कि ज़्यादा हम पहनते हैं इसको, अगर एक बार धुल लिए तो इसको बिना प्रेस किए हम प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो प्रत्यास्थता प्रतिस्कंदता के गुण होते हैं वह इनमें कम पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है जो अभी हम लोग अपने पहला हम लोग पढ़ चुके हैं। अब पिछले पेज पे हम लोग आते हैं। बीज वाले रेशे में कपास हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हमारा नेक्स्ट आता है कापोक का रेशा। कापोक का जो रेशा होता है, कापोक का रेशा भी बीज वाला रेशा कहलाता है। जैसे हम कपास का रेशा प्राप्त करते हैं, उसी तरह से हम लोग कापोक का भी रेशा प्राप्त करते हैं। कापोक का जो रेशा होता है, यह भी कापोक नामक वृक्ष के बीज से पाया जाता है। यह भी रेशे बीज के चारों तरफ पाए जाते हैं। कापोक जो होता है वह उसमें नमी और शोषक क्षमता जो होती है कपास से भी ज़्यादा होती है। लेकिन कापोक का एक अवगुण होता है कि इसमें ऐठन क्षमता नहीं होती है। जैसे आप लोग देखते होंगे कॉटन का हम लोग बत्ती बनाते हैं, पूजा के लिए हम लोग बत्ती बनाते हैं, तो कॉटन को हम लोग जितना ऐठन ऐसे देते हैं वो अच्छे से चिपक जाता है और बत्ती बन जाती है। लेकिन कापोक में क्या होता है कि उसको जब हम ऐसे दबा के करते हैं, ऐठन देते हैं, तो उसमें ऐठन नहीं होता है और वो रेशे एकदम फैल जाते हैं। तो इसलिए इनके धागे नहीं बनाए जा सकते। इसलिए कापोक के रेशे का प्रयोग प्रमुख रूप से जो होता है, तकिया होता है ना, तकिए के कवर में, तकिए में भरने के लिए या गद्दे आदि में भरने के लिए इसके रुई का प्रयोग किया जाता है। कापोक के उत्पादन में भारत और वेस्ट इंडीज प्रमुख है। कापोक का उत्पादन जो होता है वह भारत और वेस्ट इंडीज में होता है। कापोक के रेशे में ये हमेशा याद रखिएगा कि कापोक का जो रेशा होता है उसमें ऐठन क्षमता का अभाव पाया जाता है। तो ये हो गए हमारे बीज वाले रेशे। आप लोगों को कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट के द्वारा बिल्कुल बताइएगा कि क्या चीज़ नहीं समझ में आया है आप लोगों को। नेक्स्ट होता है हमारे, ये सारे हमारे थे बीज वाले रेशे। अब आते हैं तने वाले रेशे, यानी कि जो हमारा वानस्पतिक रेशे हैं, ये तीन भागों में बांटे गए हैं। पहला हम लोग बीज वाले रेशे बता चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे तने वाले रेशे। तने वाले रेशे का मतलब होता है कि वह रेशा जो हमें पौधे के तने से प्राप्त होता है। जैसे कि एक पौधा होता है, ऐसे है, ये हमारा पौधा हो गया, ये जड़ है, ये इनकी पत्तियां हैं, ये जो बीज का भाग है यहाँ से यहाँ तक, ये तना कहलाता है। तो जब हम पौधे के तने से जो रेशा प्राप्त करते हैं उसे तने वाले रेशे कहा जाता है। तने वाले रेशे प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो इन्हें जड़ से उखाड़ लेते हैं या तो यहाँ से काट देते हैं और फिर इन्हें प्राप्त करते हैं। फिर इनको हम सड़ाते हैं। सड़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि जहाँ पे पानी होता है, नदी तालाब, वहाँ पे इनको डाल देते हैं। तो कुछ समय बाद, महीने डेढ़ महीने, इनको छोड़ दिया जाता है, जिससे कि ये पूरी तरह से सड़ जाते हैं। जब सड़ जाते हैं तो इनकी ऊपरी परत निकल जाती है। जब सड़ेंगे तो ऊपरी परत बिल्कुल निकल जाती है और अंदर से हमको रेशे दिखाई देने लगते हैं, जिसका प्रयोग हम वस्त्र निर्माण में करते हैं। तो जो तने वाले रेशे होते, सारे जितने भी तने वाले रेशे होते हैं, उनको इसी विधि द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। अब तने वाले रेशे के अंतर्गत कौन कौन से रेशे आएंगे ये हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला हमारा होता है लीनन, दूसरा होता है जूट, तीसरा होता है हेम्प, चौथा होता है रेमी। अभी और तो है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग लीनन के बारे में पढ़ लेते हैं। जो लीनन का रेशा होता है वह फ्लैक्स नामक पौधे के तने से, जो हमारा लीनन का रेशा होता है
वह फ्लैक्स नामक पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। फ्लैक्स फ्लैक्स नामक पौधे के तने से लीनन का रेशा प्राप्त किया जाता है और लीनन का वानस्पतिक नाम यूसी टेटिसियम है। इसका वानस्पतिक नाम क्या है? यूसी टेटिसियम। यूसी टेटिसियम जो लीनन का रेशा होता है बहुत मजबूत टिकाऊ होता है, नमी अवशोषक क्षमता भी इसमें ज़्यादा होती है। लेकिन लीनन से जो वस्त्र बनाए जाते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, क्योंकि लीनन से वस्त्र लीनन को ऐसे जो पौधा था जो तने थे उसको उखाड़ना और उनसे रेशे निकालना, ये ज़्यादातर जो प्रक्रियाएँ होती हैं वो हाथ के द्वारा की जाती हैं, मशीन के द्वारा इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, जिसके कारण इनके जो रेशे होते हैं इनसे बने जो वस्त्र होते हैं वो महंगे होते हैं। और जो लीनन का पौधा होता है उससे दो रंग के फूल प्राप्त किए जाते हैं। लीनन के रेशे से दो रंग के फूल प्राप्त किए जाते हैं, एक होता है हमारा नीले रंग का और एक होता है हमारा सफेद रंग का। तो जो नीले रंग का सफेद रंग का जो फूल होता है उससे जो रेशे प्राप्त किए जाते हैं वो मोटे और कड़े होते हैं। सफेद रंग के फूल से मोटे व कड़े रेशे, ठीक है, जो सफेद रंग के जो फूल होते हैं उनसे जो रेशे मिलते हैं वो मोटे और कड़े होते हैं, जिससे इनके जो वस्त्र बनेंगे वो भी कैसे होंगे, वो भी मोटे और कड़े ही होंगे। लेकिन नीले रंग के फूल से उत्तम कोटि के रेशे प्राप्त होते हैं। नीले रंग के फूल से हमें उत्तम कोटि के रेशे मिलते हैं। जो लीनन होता है उसमें लीनन के पौधे में दो रंग के फूल होते हैं, एक सफेद होते हैं एक नीले होते हैं। सफेद रंग के फूल से जो हमें रेशे प्राप्त होते हैं वो कड़े मोटे होते हैं, लेकिन वहीं पे नीले रंग के फूल से जो हमको पौधे जो हमको रेशे प्राप्त होते हैं वह महीन होते हैं, मजबूत होते हैं, कोमल होते हैं, सूक्ष्म और मुलायम होते हैं, और उससे जो वस्त्र भी बनाया जाता है वो भी उत्तम कोटि के होते हैं। तो ये हमारा लीनन के बारे में हो गया। लीनन का वस्त्र भी बहुत सुंदर आकर्षक होता है, लेकिन बस यही होता है कि वह कपास की अपेक्षा ये महंगे होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि लीनन के बाद हमारा क्या आता है, जूट आता है। तो जूट जो होता है, जूट को स्वर्ण तंतु कहा जाता है। जूट को क्या कहेंगे? स्वर्ण तंतु कहेंगे। जूट को स्वर्ण तंतु भी कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा भी था आप लोगों का कि किसे स्वर्ण तंतु कहते हैं, तो जूट को ही स्वर्ण तंतु कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि जो जूट का हमारा रेशा होता है, जो हमारा जूट का रेशा होता है वह सुनहरे पीले रंग का होने के कारण जूट को स्वर्ण तंतु कहा जाता है। जूट का जो हमारा रेशा होता है वह सुनहरे पीले रंग का होता है, मजबूत होता है, लेकिन कड़कीला होता है, एकदम कड़े कड़े होते हैं, रूखे होते हैं, जिसके कारण से इनके वस्त्र नहीं बनाए जाते। इनसे प्रमुख रूप से बोरी हो गया, चटाई हो गया, पावदान होंगे या सुतली हो गया, यही इनसे बनाए जाते हैं। इनसे हम कोई भी वस्त्र नहीं बनाते हैं। इसके बाद हमारा आता है, जूट के बाद हमारा आता है लीनन, जूट, हेम्प। जूट के बाद हमारा नेक्स्ट आता है हेम्प। जो हेम्प का रेशा होता है, हेम्प का जो रेशा होता है वह कैनेबिस सेटाइवा नामक पौधे के तने से प्राप्त होता है। कैनेबिस सेटाइवा जो हिम्प का रेशा होता है वो कैनेबिस सेटाइवा।
कैनेबिस सिटाइवा नामक पौधे के तने से हेम्प का रेशा प्राप्त किया जाता है। हेम्प का रेशा भी सुंदर चमकीला होता है और लेकिन ये भी रूखे और कड़े होते हैं, इसके कारण इनमें वस्त्र उपयोगी गुणों का अभाव पाया जाता है। इनका जो रेशा होता है वो ज़्यादातर कागज बनाने में प्रयोग किया जाता है। और हेम्प का जो पौधा होता है वो कैनेबिस सिटाइवा होता है, इसके पौधे के तने से हेम्प का रेशा प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा हेम्प का रेशा हो गया हमारा, ये अब हम लोगों ने पढ़ लिया लीनन पढ़ लिए, जूट पढ़ लिए, हेम्प पढ़ लिए। अब नेक्स्ट हमारा आता है रेमी। लीनन, जूट, हेम्प, रेमी, ये सब हमारे तने से प्राप्त होने वाले रेशे होते हैं। नेक्स्ट हमारा रेमी आता है। रेमी जो होता है वह नेटेल नामक पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। रेमी जो है वह नेटेल नामक पौधे के तने से प्राप्त होता है। रेमी जो होता है वह नेटेल नामक पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। ये भी रेशे सुंदर चमकदार होते हैं। इनसे जो होते हैं मेजपोश हो गए, टेबल क्लॉथ हो गए, ट्रे क्लॉथ हो गए या नैपकिन जो बनाया जाता है वह रेमी के द्वारा ही बनाया जाता है। इसके अलावा कागज उद्योग में भी इसके रेशे का प्रयोग किया जाता है। रेमी भी होता है वह भी तने से प्राप्त होने वाला रेशा होता है, इन्हें भी तने के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। तो ये हमारा अभी तक हम तने वाले रेशे में पढ़ लिए लीनन जूट हेम्प रेमी पढ़ लिए हम लोग। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे तने वाले ही रेशे में सन। ये भी हमारा तने से ही प्राप्त होता है। रेमी, सन, सन जो होता है सन नामक पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। इनमें वस्त्र उपयोगी गुणों का अभाव पाया जाता है। इनके रेशे भी रूखे और कड़े होते हैं। इनका प्रयोग ज़्यादातर मछली के जाल बनाने के लिए, जो बनाया जाता है मछली का जाल, उसमें इनका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कागज उद्योग में भी इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है कोयार। जो कोयार होता है यह नारियल की छाल से प्राप्त होता है। नारियल आप लोग सब लोगों ने देखा होगा कि जो पूजा में जो नारियल चढ़ता है ना, उसके ऊपर अगर उसको हम पानी में डाल देते हैं तो उसके ऊपर ऊपर का रेशा निकाल के हम बनाते हैं। लेकिन आप लोग देखते होंगे कि जो उसके ऊपर का रेशा होता है वो कितना कड़ा होता है, उससे हम वस्त्र नहीं बना सकते। इसलिए उसका पावदान जो होता है, पावदान, रस्सी, सुतली आदि बनाया जाता है। अक्सर घर के बाहर हम लोग ये जो जूट वाले जो नारियल के ही रस्सी के जो बने होते हैं पावदान, वही यूज करते, क्योंकि उससे जूती आदि की गंदगी जो होती है आसानी से निकल जाती है। तो ये जो नारियल की रस्सी होती है, नारियल के जो रेशे होते हैं, उसे ही कोयार कहा जाता है। और इन्हें विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा इनमें से रेशे निकाला जाता है और वस्त्र निर्माण किया जाता है, और इनसे पावदान बनाए जाते हैं, वस्त्र इनसे नहीं बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मनीला। मनीला के बारे में आप लोगों का पूछा भी था कि मनीला अरे अबाका किसे कहते हैं, तो मनीला को ही अबाका कहा जाता है। मनीला भी है वह भी तने से प्राप्त होने वाला रेशा होता है और मनीला को अबाका भी कहा जाता है। मनीला को और क्या कहते हैं, अबाका भी कहते हैं। इसमें भी वस्त्र उपयोगी गुणों का अभाव पाया जाता है, इससे भी वस्त्र नहीं बनाए जाते हैं। इससे भी वही सुतली हो गया, बोरी हो गई, यही सारे चीज इनसे बनाए जाते हैं। मनीला को अबाका भी कहा जाता है। तो ये सारे हमारे हो गए तने से प्राप्त होने वाले रेशे। क्लियर है आप लोगों का। बीज से प्राप्त होने वाले रेशे दो होते हैं, कपास और कापोक। तने से प्राप्त होने वाले रेशे होते हैं जूट हो गया, लीनन, जूट, हेम्प, रेमी, सन, कोयार और मनीला। ये सारे जो रेशे होते हैं वह तने से प्राप्त होते हैं। अब हम बात करेंगे पत्ते से प्राप्त होने वाले रेशे। तीन भागों में इन्हें बांटा गया। नेक्स्ट होता है पत्ते से प्राप्त होने वाले रेशे। अर्थात वह रेशे जो हमें पौधे के पत्तों से प्राप्त होते हैं, वह पत्ते से प्राप्त होने वाले रेशों की श्रेणी में आते हैं। जैसे आप लोग पत्ता देखे होंगे, पत्ते पे ऐसे, जैसे ये पत्ता है, इस पे पतली पतली ऐसे ऐसे लाइनें बनी रहती हैं, ऐसे ऐसे।
अगर आप लोग कभी हल्के हाथों से उसे खुरचने की कोशिश करेंगे तो एक एक रेशे जैसे वो दिखाई देता है, तो वही पत्ते से प्राप्त रेशा होता है, वही रेशा होता है, उसी के द्वारा वस्त्र निर्माण किया जाता है। तो पत्ते से प्राप्त होने वाले रेशे को दो भागों में बांटा गया है, एक हमारा आता है पीना और दूसरा होता है हमारा सीसल। पीना और सीसल यही दो रेशे होते हैं जो हमें पत्ते से प्राप्त होते हैं। पीना जो होता है वह अनानास की पत्तियों द्वारा, पीना पीना जो होता है वह अनानास की पत्तियों द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, जो अनानास की पत्तियां होती हैं उन्हें विभिन्न विधि के द्वारा उनसे रेशे निकाले जाते हैं और इनसे वस्त्र बनाए जाते हैं। इनके वस्त्र सुंदर और आकर्षक होते हैं और नमी और शोषक क्षमता भी इनमें कपास के समान ही होती है। नेक्स्ट हमारा आता है सीसल। सीसल का जो पौधा होता है, जो सीसल का पौधा होता है उसकी जो पत्तियां होती है ना ऐसे जमीन की तरफ झुकी झुकी होती हैं, यानी जमीन की तरफ पूरी लपटी हुई ये पत्तियां होती हैं। फिर इनको तोड़ करके हाथों से हल्के हल्के से कुरच कुरच के इनसे रेशे प्राप्त किए जाते हैं और इनसे वस्त्र बनाया जाता है, इनसे भी सुंदर आकर्षक वस्त्र बनते हैं। तो ये हो गया हमारा पत्ते से प्राप्त, बीज से प्राप्त रेशे, तने से प्राप्त रेशे हो गया हमारा, और नेक्स्ट हो गया हमारा पत्ते से प्राप्त रेशे। वानस्पतिक रेशे के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, अब आता है हमारा प्राकृतिक रेशे को पुनः तीन भागों में बांटा गया था। तो ये हमारा हो गया वानस्पतिक रेशे हो गए थे। नेक्स्ट हमारा आता है प्राणीज रेशे। प्राणीज रेशे अर्थात वह रेशे जो हमें पशु पक्षियों कीड़ों जीव जंतुओं के द्वारा जो रेशे प्राप्त होते हैं वो उसे प्राणीज रेशे या जांतव रेशे भी कहा जाता है। प्राणीज रेशे को हम जांतव रेशे भी कहते हैं और प्राणीज रेशे प्रोटीन रेशे कहलाते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है वानस्पतिक रेशे को हम सेल्यूलोज रेशा कहते हैं, उसी तरह से हम प्राणीज रेशे को क्या कहेंगे, प्रोटीन रेशा। प्राणीज रेशे को हम प्रोटीन रेशा कहते हैं, यानी कि जो हमारा प्राणीज रेशा होता है वो प्रोटीन के द्वारा ही बना होता है, उसका संगठन प्रमुख रूप से प्रोटीन ही होता है, इसलिए इसे प्रोटीन रेशा कहा जाता है। और प्राणीज रेशे के अंतर्गत प्रमुख रूप से दो रेशे आते हैं, एक हमारा आता है ऊन और दूसरा हमारा आता है रेशम। ठीक है, ऊन का रेशा जो होता है प्रमुख रूप से भेड़ के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। भेड़ के बालों को उतार करके विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा उन्हें साफ किया जाता है, फिर उनसे ऊन बनाए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी खरगोश हो गया, ऊंट हो गया, खरगोश ऊंट आदि के बालों के, बकरी हो गया, इन सबों के बालों से भी ऊन प्राप्त किया जाता है। और सबसे सर्वश्रेष्ठ किस्म का जो ऊन होता है वह मेरीनो जाति के भेड़ से, मेरीनो जाति के भेड़ से सर्वश्रेष्ठ किस्म के ऊन की प्राप्ति होती है। मेरीनो जाति के जो भेड़ होते हैं इनसे प्राप्त जो ऊन होता है वह सर्वश्रेष्ठ होता है, और ज़्यादातर जो ऊनी कपड़े बनते हैं वो मेरीनो जाति के भेड़ के द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो जो हमारा ऊन होगा उसकी क्वालिटी क्या होगी, कितना वो अच्छा होगा या कितने निम्न कोटि का होगा, कितने उच्च कोटि का होगा, यह बहुत कुछ इस बात पे निर्भर करता है कि हम जो भेड़ है उसका पालन पोषण किस प्रकार से कर रहे हैं, किस कैसे उनको रखा जा रहा है या शरीर के किस स्थान से उनके बाल को निकाला जा रहा है। जैसे कि जो भेड़ होते हैं वह हाथ पैर ऐसे करके चलते हैं, तो अगर हम उनके पीठ से बाल निकालते हैं तो पीठ क्या होता है, बार बार वातावरण के संपर्क में आ रहा है, कहीं भी बाहर वो घूमने जा रही है तो वो धूल मिट्टी आदि जो होते हैं वो उनके बाल में ही आके चिपक जाते हैं, जिसके कारण उनके पीठ की या पैर के जो ऊन होते हैं वो बहुत ही निम्न कोटि के होते हैं। लेकिन उनके पेट वाला हिस्सा जो अंदर की तरफ होता है या गले वाला हिस्सा, ये अंदर की तरफ होने के कारण यहाँ से जो ऊन प्राप्त किया जाता है वह उत्तम कोटि के होते हैं। तो आप लोग वूलन कपड़ा भी देखते होंगे,
कई तरह के होते हैं। एक वूलन वहीं पे हमको बहुत महंगे में मिलता है और एक सस्ते में मिलता है। तो ये सब प्रमुख रूप से इस पे निर्भर करता है कि ऊन की कोटि क्या है। अगर उनका जो उच्च कोटि के होते हैं उससे जो परिधान बनाए जाएंगे वह निम्न कोटि की अपेक्षा क्या होते हैं, सस्ते होते हैं। तो भेड़ के पेट से और गले से और कंधे से जो बाल निकाला जाता है वह उत्तम कोटि के ऊन होते हैं। तो जो हमारा ऊन होता है वह प्रमुख रूप से मेरिनो जाति के भेड़ के द्वारा ही बनाया जाता है। अब आता है हमारा रेशम। रेशम का जो रेशा होता है वह रेशम के कीड़े से प्राप्त किया जाता है, यानी कि कीड़ा होता है उसी से रेशम का जो रेशा होता है उसे प्राप्त किया जाता है। रेशम के रेशे की खोज किसने किया था, चीन में। सबसे पहले चीन में रेशम की खोज की गई थी, इसलिए चीन को रेशम का जन्मदाता माना जाता है। और जो सी लिंगची चीन की महारानी है, सी लिंगची, ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले उन्होंने ही रेशम को देखा था, रेशम के रेशे को, और उससे उन्होंने सबसे पहले उन्होंने ही वस्त्र निर्माण किया, इसलिए सी लिंगची। सी लिंगची इन्हें रेशम की महादेवी कहा जाता है। सी लिंगची को रेशम की देवी कहा जाता है और चीन को रेशम का जन्मदाता। चीन को रेशम का जन्मदाता माना जाता है और सी लिंगची को रेशम की देवी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि एक बार वो अपने बागीचे में टहल रही थी तो उनको पौधे पे एक बहुत सुंदर सा कीड़ा दिखा और वो चाय पी रही थी, तो उन्होंने कीड़े को वो तोड़ के वो अपने चाय में डाल देती हैं। तो जब वो चाय में डालती हैं तो क्या देखती है कि बहुत सुंदर सा रेशा दिखाई दे रहा है। फिर वो उसको इकट्ठा करना शुरू करती है, ऐसे बहुत सारे कीड़े को वो डालती हैं और उसमें से सुंदर सा रेशा निकलता है, तो उसको वो इकट्ठा करते हुए चली जाती हैं और फिर उसका वह वस्त्र बनाकर राजा को भेंट देती हैं। और वह वस्त्र बहुत ही सुंदर, बहुत ही अलौकिक होता है, इसलिए ये माना जाता है कि जो सी लिंगची थी उनको रेशम की देवी कहा जाता है। जो रेशम होता है, रेशम का रेशे, जो रेशम के जो कीड़े होते हैं वह सहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं, क्योंकि जो रेशम के कीड़े होते हैं बस सहतूत की पत्तियां ही खाते हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं खाते हैं, वह बस सहतूत की पत्तियां खाते हैं और मुख से लार स्त्रावित करते हैं। वह जो उनका लार होता है वह वातावरण के संपर्क में आकर टाइट होता जाता है और वह खुद को, अपने आप को उसी में इतने अच्छे तरीके से ढक लेते हैं कि बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि कीड़ा है, इतना ज़्यादा वो लार स्त्रावित करते हैं। तो जो रेशम का कीड़ा होता है उसे बॉम्बेक्स मोरी कहा जाता है। रेशम के कीड़ों को क्या कहते हैं, बॉम्बेक्स मोरी। रेशम के कीड़े को बॉम्बेक्स मोरी कहा जाता है और जहां पे रेशम का पालन होता है, रेशम के पालन को क्या कहते हैं, पीसी कल्चर। पीसी कल्चर कहा जाता है। रेशम के कीड़े को बॉम्बेक्स मोरी कहा जाता है और रेशम के कीड़े को जहाँ पाला जाता है उसे पीसी कल्चर कहा जाता है। जो रेशम के कीड़े होते हैं इनका जीवन काल मात्र 2 माह होता है,
ये बस 2 माह तक ही जीवित होते हैं और 2 माह में ये 4 अवस्थाओं में होकर गुजरते हैं। 2 माह में इनकी 4 अवस्था होती है। पहला होता है अंडा, जो पूर्ण परिपक्व अंडा होता है वह 15 दिन में लार्वा में बदल जाता है, यानी कि अंडा जो होता है 15 दिन तक रहता है और इन्हें क्या होता है नमी युक्त स्थान पे इन्हें रखकर बांस में या पत्ते में आदि इकट्ठा करके इन्हें रखा जाता है नमी युक्त स्थान पे। तो अंडा पूर्ण परिपक्व जो अंडा होता है 15 दिन में क्या बदल जाता है लार्वा में। इनकी दूसरी अवस्था कहलाती है लार्वा। जो लार्वा होते हैं जब ये लार्वा की अवस्था में आते हैं तो बहुत ज़्यादा ये भूखे रहते हैं और इस अवस्था में बस ये शहतूत की पत्तियां खाते हैं। इतना ज़्यादा ये शहतूत की पत्तियां खाते हैं ये अपने वजन से 38,000 गुना ज़्यादा पत्तियां खाते रहते हैं। इस समय ये लार्वा नहीं स्थापित करते बस पत्तियां खाते रहते हैं और पत्तियां खा खा के ये बहुत ज़्यादा से पत्तियां खाते हैं उसके बाद ये लार्वा स्थापित करते हैं। तो तीसरी अवस्था होती है हमारा प्यूपा। प्यूपा की अवस्था में जो रेशम का कीड़ा होता है बॉम्बिक्स मोरी वह लार स्त्रावित करता है और इतना अधिक लार स्त्रावित कर लेते हैं ये कि खुद को उसी में ढक लेते हैं। इतना ज़्यादा अपने ऊपर पूरा कोकून बना लेते पूरे अच्छे से ढक लेते पूरे थोड़े से भी ये दिखाई नहीं देते हैं, इनके ऊपर पूरा रेशा दिखाई देता है बिल्कुल। तो इस अवस्था में वह पूरा इतना ज़्यादा रेशा स्त्रावित अपने रेशे स्त्रावित करके और अपने आप को उसी में ढक लेते हैं और सो जाते हैं। यही वह अवस्था होती है जब हम इनमें से रेशा प्राप्त करते हैं। जब ये पूरी अच्छे से रेशा स्त्रावित कर लेते हैं और सो जाते हैं उसी समय इनको क्या किया जाता है खौलते हुए पानी में डाल दिया जाता है और खौलते हुए पानी में डाल दिया जाता है फिर इनसे रेशे निकाले जाते हैं। लेकिन रेशे निकालने का कार्य भी इतना आसान नहीं होता है। वह जो लोग ज़्यादा प्रवीण होते हैं ज़्यादा कुशल होते हैं इस कार्य में वही लोग रेशे निकालते हैं। जो हमारा रेशम का रेशा होता है वह अलौकिक अद्वितीय सुंदर होता है। रेशम का जो रेशा होता है उसे बने वस्त्रों को वस्त्रों की रानी कहा गया है। रेशम को सभी वस्त्रों की रानी की संज्ञा दी गई है क्योंकि यह अलौकिक सुंदर होता है। बहुत चमकीला बहुत सुंदर आकर्षक कोमल होता है जिसकी बराबरी कोई भी रेशा नहीं कर सकता। आज कितने भी कृत्रिम रेशे बनाए गए हैं बहुत सारे रेशे ऐसे बनाए गए हैं जिनको रेयान के टक्कर देने के लिए बहुत सारे रेशे बनाए गए हैं रेशम के टक्कर देने के लिए रेयान बनाया गया लेकिन कोई भी इस रेशे का टक्कर आज तक नहीं दे पाया क्योंकि ये बहुत ही सुंदर अद्वितीय रेशा होता है। और इसको जो रेशम का रेशा होता है इसे प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा कार्य जो होता है वह हाथ के द्वारा किया जाता है इसलिए इससे बने जो वस्त्र होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं और इनकी देखभाल भी जो होती है वो भी कठिन होती है। प्यूपा की अवस्था में ये लार स्त्रावित करते हैं और यही वह अवस्था होती है जब इनसे हम रेशे प्राप्त करते हैं। चौथी अवस्था हमारी कहलाती है कीड़ा। जिन प्यूपा से हमें रेशे नहीं प्राप्त करने होते उनको हम छोड़ देते हैं। हमको अगली प्रजाति भी तो प्राप्त करना है यही कीड़ा क्या करेगा फिर अंडा देगा तो अगली प्रजाति भी हमें प्राप्त करनी होती है इसलिए कुछ हम कीड़ों को छोड़ देते हैं। तो कुछ कीड़े जो छोड़ते हैं तो उसके बाद ये 7 से 8 दिन के अंदर ये फट जाते हैं पूरी ऊपर जो कोकून होता है वो फट जाता है और अंदर से एक अंडा निकल जाता है। तो ये जो कीड़े होते हैं जो ऊपर जो इनके रेशे होते हैं वो फट जाएंगे उससे भी वस्त्र बनाए जाते हैं लेकिन फटने के कारण क्या होंगे जो हमारे रेशे होंगे वो टूट टूट जाते हैं इसलिए इनसे जो वस्त्र बनते हैं वो निम्न कोटि के होते हैं। कीड़े के द्वारा भी वस्त्र बनाए क्योंकि ये इतना सुंदर आकर्षक होता है कि कुछ भी फेंका नहीं जाता है सब यूज किया जाता है। वो रेशे बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं इसलिए इनको क्या कहता है बटकर ऐठन देकर जैसे कताई बुनाई हम लोग कपास का करते हैं ना उसी तरह से करके इनसे रेशे प्राप्त किया और इनसे वस्त्र बनाया जाता है। तो ये हमारा रेशम का 4 अवस्था है अंडा हो गया लार्वा हो गया प्यूपा और कीड़ा। क्लियर है। अब हम बात करेंगे जो रेशम होता है रेशम के उत्पादन में रेशम का उत्पादन में जापान का प्रथम स्थान प्राप्त है। जापान आज भी रेशम के उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त है तथा भारत को 4th स्थान प्राप्त है। जापान क्या है पहले स्थान पर है। जापान रेशम के उत्पादन में पहले स्थान पे है।
प्रथम स्थान पर है और हमारा भारत चौथे स्थान पर है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि रेशम के उत्पादन में पहला स्थान किसका प्राप्त है, भारत कौन से स्थान पे है। तो पहले स्थान पे हमारा जापान है और दूसरे चौथे स्थान पे भारत है रेशम के उत्पादन में। तो रेशम का रेशा बहुत आकर्षक होता है जिसकी बराबरी कोई रेशा नहीं कहा कि कर सकता है। इन्हें बुने हुए वस्त्रों की रानी की संज्ञा दी गई है। तो ये हो गया हमारा रेशम के बारे में। ऊन हम पढ़ लिए और रेशम पढ़ लिए, तो ये हमारा हो गया प्राणिज रेशे। अब हम पढ़ेंगे खनिज रेशे। खनिज रेशा अर्थात वह रेशा जो खनिज पदार्थों के द्वारा प्राप्त किया जाता है उन्हें खनिज रेशा कहा जाता है। इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से तीन रेशे आते हैं। पहला हमारा होता है सोना, दूसरा होता है चांदी तीसरा होता है एस्बेस्टस। तो ये तीन रेशे होते हैं जो खनिज रेशों के अंतर्गत आते हैं। सोने चांदी के जो रेशे होते हैं वह प्रमुख रूप से क्या होते हैं, सोने को पिघला के और पतले पतले रेशे निकाले जाते हैं, पतले पतले उससे बुनाई करके वस्त्र बनाया जाता है। पहले के जो राजा महाराजा होते थे वह सोने चांदी से बुने हुए वस्त्र पहनते थे, लेकिन ये जो वस्त्र होते हैं वो बहुत ज़्यादा भारी होते हैं और इनकी देखभाल भी कठिन होती है। चांदी के जो रेशे होते हैं कुछ समय बाद ये सफ़ेद रहता है, ये वो काले पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो चांदी का रेशा थोड़े थोड़े समय के बाद वो काले हो जाते हैं और इनकी देखभाल भी कठिन होती है और ये बहुत अधिक महंगे होते हैं। सोने से बने जो वस्त्र होते हैं बहुत ही अधिक महंगे होते हैं। पहले राजा महाराजा ही इनका प्रयोग करते थे, अब बहुत कम मात्रा में इनका प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा आता है एस्बेस्टस। एस्बेस्टस जो होता है कुछ विशेष प्रकार की चट्टानें होती हैं जो कि इटली में कनाडा में पाई जाती हैं, उनसे ये रेशे प्राप्त किए जाते हैं। एस्बेस्टस का जो रेशा होता है वह पूर्णतः अग्नि अवरोधक होता है। एस्बेस्टस का रेशा अग्नि अवरोधक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। अग्नि अवरोधक का मतलब होता है कि आग का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये एस्बेस्टस का रेशा अग्नि अवरोधक होता है, जंग अवरोधक होता है, यानी कि जंग का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो एस्बेस्टस का रेशे जो अग्निशमक या फायर ब्रिगेड के जो कपड़े होते हैं वह अग्नि एस्बेस्टस से ही बनाए जाते हैं, जिसपे आग का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये हो गए हमारे खनिज रेशे। प्राकृतिक रेशे में वानस्पतिक रेशे हम लोग पढ़ चुके हैं, प्राणिज रेशे पढ़ चुके हैं, खनिज रेशे पढ़ चुके हैं। तो इसके बारे में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट में आप लोग बिल्कुल बताइएगा। आगे की वीडियो में हम लोग कृत्रिम रेशे के बारे में बात करेंगे, इसका नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आए तो चैनल को लाइक और शेयर करिएगा।